हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से भाग दो को। दोस्तों, ये भारतीय संविधान का पार्ट 11 है और अनुच्छेद से पार्ट 2 है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां भारतीय संविधान एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वहां अनुच्छेद से आपको हमेशा एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, यानी कि बताई गई है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवद्ध कर होगी। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं। देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवद्ध कर होगी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय की पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, यानी कि आपसे अनुच्छेद यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय की पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो यह है अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। राइट आंसर है अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। राइट आंसर है अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में ये पूछा भी गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राइट आंसर है अनुच्छेद 253, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर है अनुच्छेद 256 से 263 के बीच इनको बतलाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। राइट आंसर है अनुच्छेद 256।
अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 263। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? राइट आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 311 में। अनुच्छेद 311 में सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 312। कौन सा? अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राइट आंसर है अनुच्छेद 320। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। जहां मैं आपसे कहता हूं इंपॉर्टेंट है तो समझ जाइए, रेलवे एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे में भी बार बार रिपीट होता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 से अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 343 फर्स्ट। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की भाषा राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 343। देखिए अनुच्छेद 343 की जब भी बात होगी यहां पर भारत की राजभाषा हिंदी की बात करेगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? सही आंसर है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में
संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। सही आंसर है अनुच्छेद 356। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपसे क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, 356, 360 ये इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ और यह है, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में 352। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपवंद किससे संबंधित हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपवंद किससे संबंधित हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंद। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 356। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, देखिए 2020 में। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।